हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूँ टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में, इसकी सेल के बारे में, इसकी सेल्स रिपोर्ट जो भी आई है उसके बारे में। टाटा मोटर्स लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, बहुत भरोसेमंद कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, बट पिछले कुछ टाइम से इसमें बहुत गिरावट देखने को मिली है। तो इसका रिजल्ट कैसा रहा, इसकी रिपोर्ट कैसी रही, जो सेल्स रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड 267 के प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में जानते हैं। अगर आप NSE पे इसका वॉल्यूम देखेंगे फ्राइडे यानी कि 31 अगस्त का, तो ज़बरदस्त वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 1,23,00,000 का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 8 रुपये का जंप देखने को मिला, 3% टोटल। तो क्या ये टाटा मोटर में रिकवरी के साइन है? अब देखिए, जो टाटा मोटर्स का अगर आप थोड़ा सा वो देखें, रिकवरी मीन्स बहुत नीचे आ चुका था टाटा मोटर्स, रिकवरी के साइन है या नहीं उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 77,000 करोड़ का, बहुत बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अर्निंग पर शेयर जो है 58 रुपीज का है, जो कि बहुत बढ़िया है इस प्राइस में। पी रेशियो 4 का है बस, जहाँ पे इंडस्ट्री भी 34 का, इसका पी 4 का है। बुक वैल्यू 331 की, और आप खुद देखिए बुक वैल्यू से कितना नीचे ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स, बहुत बढ़िया। और अगर आप फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.80 ओनली, तो बहुत बेहतरीन स्टॉक ये है। अब बात करते हैं इसके सेल्स की। अगर बात करें टाटा मोटर्स की, सेल्स जो बढ़ी है 27% बढ़ी है। सेल्स टोटल 58,262 यूनिट सेल करी है अगस्त के महीने में, 27% का जंप देखने को मिला टाटा मोटर्स के सेल्स में। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स 28% जंप हुई है सेल, 18,420 यूनिट सेल हुई है। वहीं डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल्स जो सेल है वो 26% अप हुई है, 38,859 सेल्स हुई है, यूनिट्स की सेल हुई है। एक्सपोर्ट देखिए 78% का जंप हुआ है, 5,478 यूनिट की एक्सपोर्ट में भी जंप हुआ है। तो ये तो रहा इसकी सेल रिपोर्ट टाटा मोटर्स की। चलिए एक नज़र डालते हैं टाटा मोटर्स के, अगर मैं ग्राफ में नज़र डालूँ, इसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर नज़र डालूँ, क्या ये स्टॉक रिकवरी करेगा या नहीं करेगा, उस स्टॉक पर नज़र डालूँ। तो देखिए 2013 में ये प्राइसिंग थी, जो अभी है 252 के अराउंड की ये प्राइसिंग चल रही है, तो 2012-13 में यही प्राइसिंग थी। चलिए अगर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देखोगे तो खुद देखिए आप, ये लाइन जो इसकी इस टाइम पे ये कंसोलिडेशन ये चल रही थी पिछले बहुत टाइम से, ये जो रेंज इसकी है, ये अभी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे चल रहा है, तो आप खुद सोचिए जो इस लेवल की ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, अगर इसने ये 280 के लेवल को पार कर दिया, तो खुद देखिए 280 के लेवल को अगर ये पार कर दिया इस स्टॉक ने, तब इसमें ज़बरदस्त रैली आने के संकेत होंगे। और मुझे तो ऐसा अनुमान लग रहा है, जैसे कि सेल्स इसकी बढ़ रही हैं और इसका रिजल्ट भी बेहतरीन आया था पिछले क्वार्टर में, तो उसके बेसिस पर लग रहा है कि हाँ ये ज़रूर पार करेगा। अगर पहले ये इसकी ये सपोर्ट माने जा रहे थे 280 का, लेकिन ये 280 के सपोर्ट को के नीचे 245 तक चला गया था, जो कि दूसरा ये सपोर्ट इसका माना जा रहा था। चलिए अब यहाँ से इसने थोड़ा बहुत रिकवरी तो स्टार्ट कर दी, तो लेकिन इसका अगले जो बैरियर्स हैं वो ये बैरियर्स हैं। आप देखिए खुद देखिए 310-320 के अराउंड के बैरियर्स हैं, ये 320 का पहला, पहले 300 का बैरियर है, 320 का बैरियर है, ये 2-3 बैरियर जो हैं, अगर ये इनको पार कर देगा तो डेफिनेटली इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप वेट कीजिए, अगर आप एक्युमुलेट करना चाहें तो एक्युमुलेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स हैं स्टॉक के, आगे जाके अच्छा करे, ज़बरदस्त करने वाला है ये स्टॉक। क्योंकि आप देखिए टाटा मोटर्स की, टाटा के जो अभी जो गाड़ियाँ आई है, जो टाटा टियागो है, अच्छी खासी सेल उसकी हुई है, डोमेस्टिक सेगमेंट में सेल अच्छी हुई है। थोड़ा बहुत इसको जो अभी लॉस झेलना पड़ा था वो JLR जगुआर एंड लैंड रोवर सेगमेंट की वजह से टाटा मोटर्स को सेल जो लॉस झेलना पड़ा था, बट फिर भी जो अगर आप देखोगे इसके अलावा डोमेस्टिक में इसने बहुत बढ़िया किया है टाटा मोटर्स ने। चलिए मैं आपको शॉर्ट टर्म अगर ग्राफ दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको जो ये कंसोलिडेशन फेज है, आप खुद देखिए, आप यहाँ से अगर आप थोड़ा टेक्निकल एनालिस्ट हो, थोड़ा समझते हो, तो ये देखिए ये जो पैटर्न यहाँ पर बना था, आप अगर इस पैटर्न को समझें तो देखिए ये जो हैमर पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट हैमर टाइप का पैटर्न है ये हैमर पैटर्न, ये देखिए ये हैमर बना हुआ है जो कि ऑलमोस्ट हैमर है। यहाँ से ये जो तीन जो बड़े बड़े शोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, 3 व्हाइट शोल्डर, ये बहुत बढ़िया संकेत थे कि हाँ ये ग्रो करेगा। और ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये वॉल्यूम जो बहुत बढ़िया ट्रेड हुआ है इस वाले सेगमेंट में, बहुत बेहतरीन। और अगर आप ओवरऑल देखा जाए, ये देखिए पूरा सेगमेंट, ये जो आपका यूनिट है, ये सेम बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज लग रहा है मुझे, ये देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट होके इसको इसने 272
80 के लेवल को जैसे ही पार किया तो इसमें एक रैली की उम्मीद बनती है। हाँ, रैली की उम्मीद बनती है और लगता भी है। जो मार्केट कंडीशंस कह रही है, मार्केट कंडीशंस मीन्स इसका रिजल्ट, इसकी सेल्स जो अप हो रही है उसकी वजह से लग रहा है कि हाँ, ये अभी शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी ही ऊपर जाने वाला है अपने इस लेवल को पार करके 316 तक का। आप इसका टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट अगर देखा जाए तो अगले कुछ महीनों में ही आप इसमें 300 पार का इसकी उम्मीद आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया इस तरीके से ये जा सकता है। चलिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक साल का इसमें हिसाब से आपको इसको बताऊं तो बहुत टाइम से ये नीचे आ रहा था। नीचे मींस बहुत गिर रहा था, बहुत लोगों को इसमें डर सा बना हुआ था कि हाँ, टाटा मोटर्स कंपनी तो बढ़िया है, क्या ये हमारे पैसे को देखिए, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म इस तरीके से बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो कंसोलिडेशन फेज आ चुका है और वॉल्यूम में भी आपको बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में भी यहाँ पर दिख रहा है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये दो साइन इसके टेक्निकली अगर आप देखें तो ये दो साइन इसके रिवाइवल के लग रहे हैं। चलिए, अब एक नज़र डालते हैं इस टाटा मोटर्स के जो डिटेल में। एक अगर वैसे आप ग्राफ देखना चाहे कि टाटा मोटर्स का, देखिए ये पिछले 5 साल में इसने किस तरीके से परफॉर्म किया टाटा मोटर्स ने। तो देखिए इस ग्राफ पे नज़र डालते हैं, पिछले 5 साल में देखिए बहुत यही सिंपल, इसने कुछ नहीं, जिस लेवल पे पिछले 5 साल पहले 300 के लेवल पर था वही 300 के लेवल पे अभी भी ये स्टॉक है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टाटा मोटर्स की सेल्स अच्छी रही है, रिजल्ट अच्छा रहा है। रिजल्ट पर अगर आप एक नज़र डालते हैं रिजल्ट का, और पहले रिजल्ट में आपको बता देता हूँ इसका कैसा रिजल्ट रहा। ये देखिए आप रिजल्ट, रिजल्ट में ये स्टैंड अलोन इसका प्रॉफिट है। स्टैंड अलोन में बहुत ज़बरदस्त इसमें प्रॉफिट देखने को मिला था, यही इसका प्लस पॉइंट है। देखिए माइनस से ये ऊपर आ गया था। यहाँ देखिए सेल्स उतनी नहीं है, कम हुए क्वार्टर वाइज, लेकिन बहुत बेहतरीन 1187 इतना इसका नेट प्रॉफिट देखा गया था, तो बहुत बढ़िया है। अगर आप यही चीज़ कंसोलिडेटेड वे में देखें तो कंसोलिडेटेड में इसको लॉस हुआ था ज़बरदस्त, क्योंकि GLR सेगमेंट ने लॉस करवाया था। चलिए वीडियो वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है टाटा सेल्स की, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था टाटा सेल्स के डोमेस्टिक यूनिट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।